अस्सलामुअलैकुम एक्यू पॉइंट के साथ मैं हूं कासिम अब्बासी। आज मैं मौजूद हूं रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मोटर बाइक्स मार्केट में। आज आपको एक मुनफरद और नई चीज़ इलेक्ट्रिक बाइक आपको दिखाएंगे और इस बाइक के हवाले से तमाम का तफसीलात भी आपको बताएंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक बाइक है इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या नई चीज़ें और इसकी प्राइस क्या है, ये सारी तफसील हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सर बताइएगा ये इलेक्ट्रिक बाइक जो नई बाइक आई है इसमें क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या नई चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। सबसे बड़ी बात तो ये ज़बरदस्त अच्छी बात है कि पाकिस्तान में भी अब इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो आ चुकी हैं और जो पेट्रोल की जिस तरह कीमतें बढ़ी हैं लोग बड़े परेशान हो गए थे पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, तो अब वो मसला भी तकरीबन हल हो गया। तो इस बाइक के हवाले से बताइएगा कि ये बाइक कितने की है और ये कितने किलोमीटर एक बार अगर चार्ज करें तो ये कितने किलोमीटर चलती है और ये कितनी देर में चार्ज हो जाती है, जो जो चीज़ें जो खूबियाँ इसमें मौजूद हैं वो हमारे नाज़रीन को बताइएगा। सर सबसे पहले तो इसमें ये है कि मेंटेनेंस फ्री है ये, ठीक है। ये स्कूटी जो है ये स्कूटी शेप आप देख सकते हैं इसमें, इसमें नो मेंटेनेंस, बिल्कुल कोई ऑयल चेंज नहीं, कोई चेन नहीं, कुछ नहीं, जस्ट आप इसको स्टार्ट करें और चलाएं, ठीक है। इसमें जो वन चार्ज पे ये 60 किलोमीटर्स करता है, ठीक है। उसके बाद आप ड्रेन बैटरी हो जाए बिल्कुल तो ये 4.5 से 5 घंटे में चार्ज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा आप इसको चलाएँ, ठीक है। इसको आप इसमें जो है वो अच्छी बैटरीज लगी हुई हैं, यूनिट लगा हुआ है 5 बैटरियों का, ठीक है, जो कि चाइनीज़ बैटरीज है, ठीक है। उसके बाद इसका जो स्पेयर पार्ट्स है आपको बआसानी हमसे ही अवेलेबल होगा, ठीक है। किसी किस्म का भी बैटरीज आपको चाहिए, लिथियम आयन चाहिए आपको, लिथियम आयन बैटरी से ये है इसका जो है डिस्टेंस किलोमीटर जो है वो बढ़ जाते हैं। अच्छा एक ये सवाल भी है कि देखिए अगर मैं बाइक लेके जाता हूँ रास्ते में कि ये बंद हो जाता है मतलब इसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है तो इसके लिए हमारे पास कौन सा हल है कि हम कहाँ से चार्जिंग करवाएंगे? सर इसका जो है अभी इनिशियली जो है आपको फुल चार्ज इसको रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि हमने ये कॉमन सॉकेट के ऊपर लगा के इसको ये चार्ज कर रहे हैं, यानी कि चार्ज के लिए किसी अलग जगह पर आपको जाने की जरूरत नहीं, जैसे पेट्रोल डलवाने के लिए आपको पेट्रोल पम्प पर जाना लाजमी होता है, तो ऐसे मतलब इसको कहीं भी आप चार्ज कर सकते हैं या कोई स्पेशल कुछ जगह है जहाँ से ये चार्ज होगी? सर इसको आप कॉमन सॉकेट पे घर पे भी चार्ज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अगर आप ऑफिस जाते हैं अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो आप वहाँ पे इसको आप चार्ज कर सकते हैं। वैसे तो सुनने में आया कि इस्लामाबाद में भी इसका एक स्टेशन बना है चार्जिंग स्टेशन, यहाँ से ये चार्ज होती है, फास्ट चार्जिंग होती है, ठीक है। अभी तो लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है इस बारे में, लेकिन ये कि लास्ट 2021 से लेके अब तक हमने तकरीबन 200-250 यूनिट सेल कर चुके हैं अभी तक और माशाल्लाह इसका अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि जैसे फ्यूल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, ठीक है, लेडीज़ के लिए आसानी होगी, स्कूल कॉलेजेस के लिए, बच्चियों के लिए जो है वो बेटियों के लिए बहनों के लिए आसानी होगी कि डोर टू डोर मतलब मर्दों के साथ साथ जो फीमेल्स हैं वो भी अगर चाहें तो ये मतलब ले सकते हैं और ये भी वो उनके लिए ख़ास तौर पर बनाई गई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें उन बेटियों के लिए बहनों के लिए आसानी हो गई है, डोर टू डोर हो गया, आप स्कूल से या कॉलेज से यूनिवर्सिटी से आप आसानी घर तक इजीली आ जा सकती हैं 60 किलोमीटर से, आप अगर आप फोकस कर सकते हैं कैमरे से, ठीक है। तो ये हम इसी तरह कॉमन सॉकेट में चार्ज करते हैं, ये 5 घंटे में 4 घंटे में मतलब चार्ज कहीं भी आप अपने घर में इसको स्विच लगाएं और चार्ज कर लें, कितने टाइम में आप बता रहे हैं? 4.5 से 5 घंटे में आप इसको चार्ज करें और कितने 60 किलोमीटर तक ये बाइक जो है वो चल सकती है। अब सबसे बड़ी बात इसमें आ गया कि इसकी प्राइस के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये जानना चाहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक बाइक है, पेट्रोल की जो मसाइल थे वो भी हल हो जाएंगे, माहौल जो आलूदा हो रहा था बाकी जो गाड़ियाँ हैं मोटर बाइक से उनसे जो माहौल की खराबी थी वो भी ख़त्म हो रही है, अब ये इलेक्ट्रिक बाइक आ गई है, इसकी प्राइस जानेंगे कि भाई से कि ये किस प्राइस में दस्तयाब है? सर इसकी प्राइस जो है 1,60,000 है, 1,60,000, ठीक है। और ये अभी प्राइसेस बढ़ने से इसकी प्राइस बढ़ी है, लास्ट 6 मंथ पहले इसकी जो प्राइस थी वो 1,30,000-25,000 से 30,000। अब 1,60,000 इस स्कूटी की प्राइस है? जी बिल्कुल 1,60,000 रुपये। 60,000 मतलब आप 1,60,000 दे के ये स्कूटी जो बाइक्स आप देख रहे हैं ये आप परचेज कर सकते हैं। तो ये भाई सारी तफसील बता रहे थे और प्राइस भी भाई ने बता दी कि 1,60,000 जो है इसकी प्राइस है। अच्छा सर शॉप के हवाले से बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, अगर वो ये स्कूटी बाइक्स जो है वो ख़रीदना चाहते तो आपको उनको बताइएगा कि आपकी लोकेशन कहाँ पे है, किस जगह पे आपकी शॉप है? सर ये मेन मई रोड से आप जब लेफ्ट साइड पे अंदर होंगे मोटरसाइकिल प्लाजा से, तो अलादाद रोड के ऊपर N119 शॉप नंबर है और ये वारिस खान सर्कुलर रोड कहलाता है जी, फेयर ट्रेडर्स बाइक का शोरूम का नाम है फेयर ट्रेडर्स।